हडसन रिवर प्लेन लैंडिंग। दोस्तों, प्लेन का सफर हर किसी के लिए अलग अलग अनुभव होता है, किसी के लिए अच्छा तो किसी के लिए बुरा। कल्पना कीजिए कि आप प्लेन से किसी जगह जा रहे हो, लेकिन प्लेन के टेक ऑफ करने के बाद आपको पता चलता है कि प्लेन इंजन में आग लग गई है। तब आप क्या करोगे? ये एक सच्ची घटना है जिस पर मिराकल ऑन दी हडसन नामक मूवी भी बनाई गई है। एयरबस A320 नामक ये जहाज न्यूयॉर्क सिटी से उड़ान भरता है, लेकिन उड़ान भरने के थोड़ी ही देर बाद इस विमान का इंजन किसी पक्षी से टकरा जाता है, जिससे कि इंजन में आग लग जाती है। पायलट को जल्दी से जल्दी प्लेन को लैंड कराना था, और यदि वो ऐसा नहीं करता तब विमान में बैठे सभी 160 यात्री और 6 क्रू मेंबर की मौत हो जाती। एयरपोर्ट पर वापस लौट जाने जितना समय इनके पास नहीं था, इसीलिए पायलट ने विमान को पास ही की हडसन रिवर पर उतारने का फैसला किया, और प्लेन बड़ी मुश्किल से पानी में सुरक्षित लैंडिंग कर पाया, जिसके बाद लाइफगार्ड ने इन्हें सुरक्षित प्लेन से बाहर निकाल लिया। ब्लाइंड प्लेन लैंडिंग। प्लेन को संभालना एक पायलट का काम होता है, इसीलिए किसी भी कठिन परिस्थिति में वो पायलट ही होते हैं जो मसीहा बनकर सामने आते हैं। एक यूक्रेनियन पायलट जो किसी टर्किश कंपनी का जहाज उड़ा रहा था, उसने टूटे कॉकपिट और कांच से लगभग कुछ ना दिखाई देने वाले हालात में प्लेन को लैंड करके दिखाया था। इस खतरनाक हालात से जूझते हुए प्लेन में बैठे 120 लोग और 6 क्रू मेंबर की जान इस पायलट द्वारा सफलतापूर्वक बचा ली गई। इस घटना के हीरो अलेक्जेंडर एकोपॉफ थे, क्योंकि जब प्लेन जमीन से 12,000 मीटर की ऊंचाई पर था, तब खराब मौसम की वजह से कॉकपिट और उसके सामने का शीशा टूट गया। कांच में क्रैक की वजह से पायलट कुछ देख नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी उसने वापस मुड़ने का फैसला लिया, और दरारों से अंदाजा लगाते हुए पायलट ने प्लेन को सफलता से एयरपोर्ट पर लैंड करा दिया। स्मोक क्लाउड। बोइंग 747 नामक ये जहाज लंदन से ऑकलैंड के लिए उड़ान भरता है। इस सफर के दौरान विमान को भारत, मलेशिया तथा ऑस्ट्रेलिया में रुकना था, लेकिन मलेशिया से उड़ान भरने के बाद लोगों को पता चला कि प्लेन में कुछ गड़बड़ है, और प्लेन में धुआं भरने लगा। पायलट को प्लेन के सामने केवल एक चमक दिखाई दे रही थी, और ऐसा तब होता है जब विमान किसी तूफान से टकरा जाता है, लेकिन यहाँ दूर दूर तक किसी भी तूफान का नामो निशान नहीं था। दरअसल यह रोशनी विमान इंजन से आ रही थी, और इस प्लेन के चारों इंजन में आग लग गई थी। पायलट ने विमान को वापस एयरपोर्ट पर उतारने का फैसला किया, और इसी बीच एक अच्छी खबर सामने आई कि विमान का एक इंजन सही सलामत है, और थोड़ी ही देर बाद बाकी तीनों इंजन ने भी काम करना शुरू कर दिया। आखिरकार पायलट ने प्लेन को इंडोनेशिया के जकार्ता एयरपोर्ट पर लैंड कर दिया, जिसके बाद जांच में सामने आया कि किसी वॉल्केनो विस्फोट के कारण जो हवा आसमान में गई, ये उसी का परिणाम था। रूफलेस लैंडिंग। साल 1988 को बोइंग 737 नामक ये फ्लाइट अलोहा से होनोलुलु के लिए 35 मिनट के सफर पर निकली थी, मगर ये छोटा सा सफर इनकी जिंदगी का सबसे डरावना सपना बनेगा, ये किसी को मालूम नहीं था। फ्लाइट टेक ऑफ के 23 मिनट बाद प्लेन 7,300 मीटर की ऊंचाई पर था, जहां दबाव कम होने की वजह से प्लेन की छत उड़ गई। इस घटना के बाद लोग इतना ज्यादा डर गए कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, और ठंडी हवा लोगों को जमाने लगी थी। केवल यही नहीं, बल्कि यहां प्लेन के इंजन में भी आग लग गई। प्लेन जैसे जैसे नीचे आ रहा था, वैसे वैसे यात्रियों को 310 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं का सामना करना पड़ रहा था, मगर इतनी कठिनाइयों के बावजूद ये प्लेन वापस एयरपोर्ट पर लैंड हो गया। लेकिन इस हादसे के दौरान एक क्रू मेंबर को हवा उड़ा ले गई, और उसका पता आज तक नहीं चल सका। लैंडिंग ऑन बीच। बीच एक ऐसी जगह है जहां पर लोग अपना खाली समय बिताने जाते हैं, सनबाथ लेना, पानी में लहरों के साथ मजे करना और ठंडी ठंडी हवा को महसूस करना। इन सब के अलावा आप बीच पर सबसे अजीब चीज क्या इमेजिन कर सकते हो? कैरेबियन सेंट मार्टिन आइलैंड की माहो बीच पर मजा करने आए सैलानियों को इन सब के अलावा भी काफी कुछ देखने को मिलता है। दरअसल इस बीच के ठीक बगल में एक एयरपोर्ट है, और इस जगह लैंड होने वाले प्लेन बीच से महज 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं। इतनी कम ऊंचाई पर उड़ान भरने की वजह से यहाँ हवा इतनी तेज हो जाती है कि बीच पर टिक पाना मुश्किल होता है, पर इसके बावजूद लोग इस रोमांच का मजा लेने बीच पर इकट्ठा होते हैं, और इन ताकतवर हवाओं का सामना करते देखे जा सकते हैं।
दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अमेजिंग टॉप 5 चैनल को।